birth of Indian National Congress. Last video में हमने discuss किया था rise of Indian nationalism. Indian National Congress एक contributor रहा है Indian nationalism की तरफ. आज हम देखेंगे कि उसकी formation किस तरीके से होती है. तो सबसे पहले हमें पता है Indian National Congress का origin हुआ था 1885 में. ठीक है, उस टाइम पे जब इसका पहला सेशन हुआ उसमें 72 डेलीगेट्स थे. कहां पे हुआ था सेशन? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे. अब कांग्रेस हमारी बन चुकी है, 72 डेलीगेट्स ने हमारा क्या कर लिया है, कांग्रेस सेशन को अटेंड कर लिया है. और पहले सेशन के हेड कौन है? डब्ल्यू सी बैनर्जी. बट इसके बर्थ को लेके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बर्थ को लेके दो थ्योरी सामने को देखने को मिलती है. पहली है सेफ्टी वॉल्व एंड सेकेंड वन इज लाइटनिंग कंडक्टर. दो थ्योरीज है, सेफ्टी वॉल्व और लाइटनिंग कंडक्टर, जो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस. पहले हम एक मिथ देखेंगे, दूसरा हम रियलिटी देखेंगे. अब सेफ्टी वॉल्व कैसे? कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर कौन है? एओ ह्यूम. ये एक इंग्लिश मैन था, बड़ा सिंपैथेटिक था इंडियंस की तरफ. तो एओ ह्यूम कुछ थ्योरीज कहती है यूज्ड. ये एओ ह्यूम है, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वॉल्व यूज किया. कैसे? उसने बोला कि उसने एक पार्टी बनवा दी ऑल इंडिया लेवल पे. कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो क्या करेगी, रिप्रेजेंटेटिव होगी किसकी? पीपल्स डिमांड्स. जो पीपल की डिमांड्स होगी वो बफर होके किसके थ्रू आएंगी? इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के. उसने इस थ्योरी को इस तरह से क्यों कहा जाता है कि उसने ऐसा सेफ्टी वॉल्व यूज किया? क्योंकि ये जो पीपल की डिमांडे हैं, ये जो यहां पे पीपल्स हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखा है, क्योंकि इंग्लिश और इनके बीच में कोई मीडियम नहीं था बातचीत करने वाला, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? रिवोल्ट. एंड रिजल्ट क्या था? रिवोल्ट. तो इस रिवोल्ट से बचने के लिए कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैसे यूज किया? एज अ सेफ्टी वॉल्व, ताकि अगर उनकी कोई डिमांड है वो किसके थ्रू पीसफुली पहुंच पाएगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू. सो दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन द एओ ह्यूम यूज एज अ सेफ्टी वॉल्व, ताकि किसका सेफ्टी वॉल्व है? इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया. जो ब्रिटिश का रूल चल रहा है उसको कोई खतरा ना आए, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 में आया था, उस वजह से कहते हैं इन्होंने इसको किस तरीके से यूज किया? एज अ सेफ्टी वॉल्व. बट अगर असल में देखा जाए तो ये क्या था? कुछ थ्योरीज कहती हैं आईएनसी जो थी उसने एओ ह्यूम को यूज किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर. कैसे? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक क्या थी? ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी. उन्होंने आगे किसको रखा? एओ ह्यूम को. और ये कौन था? इंग्लिश था. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी उस टाइम पे सबको, इंग्लिश को और ब्रिटिश को बहुत ज्यादा सस्पिशन था कि दैट दिस पार्टी वाज फॉर्मड इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इमर्ज एज अ मेजर ऑपोजिशन पार्टी. अगर ऐसा इंग्लिश को पता चल जाता रियलिटी में, तो उन्होंने क्या कर देना था? दे वुड हैव कम हार्ड ऑन दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने इसे बिल्कुल पूरी तरह सप्रेस कर देना था, क्योंकि उनके मन में पहले से सस्पिशन, फियर और डर था कि कहीं हमको क्रश ना कर दे. तो उनको एक सामने एक आदमी चाहिए था जो उन्हीं का हो. तो दैट्स व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एओ ह्यूम की मदद ली और उसको सामने रखा, ताकि कांग्रेस के ऊपर जो सस्पिशन है, जो डर है कि उसको क्रश ना कर दिया जाए और वो सस्टेन हो पाए, इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स से कि दे यूज एओ ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, अदरवाइज इट वुड हैव बीन क्रश्ड आउट बाय द ब्रिटिश बेसिकली ऑन द सस्पिशन दैट दिस वाज फॉर्मड इन ऑर्डर टू अचीव द इंडिपेंडेंस. तो एओ ह्यूम वाज यूज्ड एज लाइटनिंग कंडक्टर, इसे यूज किया गया था लाइटनिंग कंडक्टर की तरह. अब हमारी कांग्रेस बन चुकी है 1885 में. इसके पहला सेशन होता है बॉम्बे में, जैसे मैंने अभी बताया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज.
कॉन्फ्रेंस होती है जो इंडियन एसोसिएशन का पार्ट होती है वो भी एंड में किसमें मर्ज हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ये जो कांग्रेस थी ना इनकी जो अर्ली डिमांड्स और ऑब्जेक्टिव्स थे क्योंकि ये उस टाइम पे बनी थी इनकी अर्ली डिमांड्स भी क्या थी कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी की डिमांड करेंगे, आईसीएस एग्जाम इधर भी हो, इंडिया में भी हो, इंग्लैंड में भी हो, तो इन सारी डिमांड्स को वो कर रहे हैं बड़े ही पब्लिक ओपिनियन जनरेट कराने के लिए। अब ये क्या करना चाहते हैं जो अर्ली हमारे कांग्रेस लीडर्स थे, इनका मेन इरादा क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें इंडिया में पहले पॉलिटिकल ओपिनियन जनरेट करना पड़ेगा मासेस को लेके, उससे पहले आप मासेस को मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जब वो पॉलिटिकली एजुकेट हो जाएंगे उसके बाद वो मासेस इसमें ऐड हो सकती हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और यही सबसे बड़ा फर्क था ये जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे और जो लेट नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इसलिए इनको पहले वाले को कहा जाता है मॉडरेट्स और दूसरे वालों को एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स जो थे वो पीसफुल मेथड्स ऑफ एजुकेशन करते थे, जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि इल्बर्ट बिल जब कंट्रोवर्सी हुई थी। ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे बिलीव्ड इन पैसिव रेजिस्टेंस। ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साइड बाय साइड चलते रहेंगे, बट आफ्टर 1907 सूरत में एक सेशन होगा जिसमें इनका स्प्लिट हो जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सूरत में इनका स्प्लिट होता है और हमारी आईएनसी की जो कांग्रेस है उसमें बहुत बड़ा दरार आ जाता है और हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हमने अपने 50 साल से बिल्ड करी है किसकी तरफ, इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ, उसमें गिरावट आएगी। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से ये स्प्लिट हो जाती है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस की फॉर्मेशन को लेके हमारे पास क्या क्या थ्योरीज है, एक है सेफ्टी वॉल्व की, एक है लाइटनिंग। तो किस तरह से धीरे धीरे अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे दे बिलीव्ड के मासेस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, बट एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि मासेस के थ्रू ही रेवोल्यूशन आ सकता है और उसी के थ्रू नेशनलिज्म और स्ट्रगल में उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है पहली स्टेज से ही। वो मेथड सेम गांधी जी के भी थे। बाद में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है तो 1907 के एक सूरत सेशन में आपस में इनके स्प्लिट हो जाता है कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर और कुछ डिमांड्स में डिफरेंसेस को लेकर, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन।